अगर आपने ये वीडियो ओपन किया है, इस वीडियो पे क्लिक किया है, तो आप 100% चांस है कि यही ढूंढ रहे होंगे। आपको दिख रहा होगा ये छोटा सा डोंगल है, और अगर मैं आप इसको यहीं पे कहीं रख दूँ तो ये घूम जाएगा, मुझे मिलेगा ही नहीं, और आप इसी को ढूंढ रहे हैं तभी आप इस वीडियो पे आपने क्लिक किया है। तो आपको मैं सॉल्यूशन बताने वाला हूँ कि यार अगर ये घूम जाए तो करना क्या है। ऑलरेडी मैं इस पे एक वीडियो बना चुका हूँ, बट मे भी शायद कुछ लोगों को वो वीडियो पसंद आया, कुछ लोगों को नहीं पसंद आया। बट देखिए, जो रियलिटी है वही मैंने उस वीडियो में बताई है, और वही मैं इस वीडियो में भी बताने वाला हूँ, क्योंकि कुछ बदला नहीं है, मैं बस अपग्रेड कर रहा हूँ इस वीडियो को, कुछ भी बदला नहीं है। आपको अगर ये डोंगल घूम जाता है और आपके पास ये वाला माउस है, मान लो फॉर एग्जाम्पल ये हम इसके एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, कोई सा भी माउस हो, अगर इसका डोंगल घूम जाता है तो आपको करना क्या है। बेसिकली देखो, मैं डिटेल में टेक्निकली आपको उस वीडियो में बता चुका हूँ, फिर भी मैं एक और बार बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो डोंगल होता है और ये जो माउस होता है ये इसी का है, मैं कनेक्ट करूँगा ये चल जाएगा, बट सेम कंपनी का सेम मैं डोंगल लेके आऊँगा और सब कुछ सेम रखूँगा तो भी ये वाला माउस उसके डोंगल से नहीं चलेगा अगर ये मेरा घूम गया तो। क्यों? क्योंकि वहाँ पर फ्रीक्वेंसी अलग है, इसकी और इसकी फ्रीक्वेंसी मैच करती है इसलिए ये चल जाता है, उन दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच करती है तो वो दोनों चल जाएंगे, बट अगर वो वाला डोंगल होगा और ये वाला माउस होगा और आप चलाने की कोशिश करेंगे तो नहीं चलेगा। तो सीधा सिंपल हिसाब है यार, आप दूसरी फ्रीक्वेंसी के साथ ये वाला माउस नहीं चला सकते। फॉर एग्जांपल आप सोच के देखिए, आप पांच लाइन में एक साथ बैठे हैं लैपटॉप लेके, और पांचों के पास सेम कंपनी के मॉडल, सेम जो है वो माउस है वायरलेस, और आप सेम यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि आप इधर से माउस हिलाएंगे तो वो जो पाँचवा बैठा है वहाँ जाके उसके डेस्कटॉप पर वो माउस हिलेगा, क्योंकि सेम है तो सेम ही। ऐसा नहीं होता है, ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है सभी की, और वो सेट करी होती है बाय डिफ़ॉल्ट, जो मैन्युफैक्चरर है इसके वो सेट करके रखते हैं। तो ये बात आपको समझने वाली है कि यार आपका ये डोंगल घूम जाता है तो आपको डोंगल दूसरा लाना ही पड़ेगा। दूसरी कंडीशन, ये तो मैंने पहली कंडीशन बता दी आपको, अगर आप सस्ता वाला जैसे कि ये वाला, ये अगर घूम गया तो मुझे दूसरा माउस लाना ही पड़ेगा पूरा, आपको यहाँ पर सिर्फ डोंगल लाने से काम नहीं चलेगा। अब ये तो हो गई एक पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल इसी का लेके चल रहे हैं, ये है कि पहली कंडीशन, क्योंकि अगर मान लो ये वाला डोंगल घूम जाता है तो ये माउस किसी काम का नहीं है, ये मुझे फेंकना पड़ेगा, क्योंकि ये यूनिफाइंग जो यूनिफाइंग डोंगल होता है वो नहीं है। देखिए यूनिफाइंग में क्या होता है, यहाँ पर अभी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, इस तरह पर यहाँ पर एक मार्क आता है यूनिफाइंग डोंगल करके, यूनिफाइंग रिसीवर होता है वो, तो वो अगर आपके पास नहीं है तो वो आपको यहाँ पर जो है वो पूरा सेट ही लाना पड़ेगा माउस का। और यहाँ पर एक और गंडी, एक और बहुत बुरी बात ये भी हो जाती है कि आपका एक ही डोंगल है और माउस और कीबोर्ड दोनों उससे कनेक्ट हैं, तो फिर तो आपके दोनों ही गए समझ लो, अगर डोंगल घूम गया तो दोनों माउस कीबोर्ड दोनों को चले गए। बट आप यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए, क्योंकि यूनिफाइंग अगर आपके माउस कीबोर्ड है, वो कीबोर्ड में भी निशान आता है, कीबोर्ड में अगर आप पीछे देखेंगे यहाँ इस साइड में, यहाँ इस पे नहीं है क्योंकि बहुत ही लोकल है, तो इसको हम रख देते हैं। बट जो भी आप लॉजिटेक के लाते हैं या फिर इसी कोई कंपनी के लाते हैं जो यूनिफाइंग यहाँ पर जो है वो चीज़ें बनाती है, क्योंकि वो दोनों में आपके वो मार्क है, यूनिफाइंग वाला मार्क है, तो आपको सिर्फ डोंगल खरीदने की ज़रूरत पड़ेगी और डोंगल आपको ईजिली मिल जाएगा। बट यहाँ पर मिल तो जाएगा, बट कंडीशन ये होगी कि वो बहुत कॉस्टली होगा, ये भी कुछ लोग समझ नहीं पाए उस वीडियो में, 2000-3000 रुपए का वो डोंगल ही आता है, सिर्फ डोंगल आता है, और उससे आप आपके माउस और कीबोर्ड चलाएंगे वो भी 1200-1300 रुपए के, तो वो अच्छी बात नहीं है। इससे अच्छा आप 1200-1300 रुपए खर्च करके नए माउस और कीबोर्ड ले सकते हैं, वो भी ब्लूटूथ वाले, वो भी नए डोंगल के साथ। तो यार यही मैंने उस वीडियो में बताने की कोशिश करी थी, बट कुछ लोगों को वो समझ नहीं आया। तो बेसिकली यही है, अगर आपकी कॉस्टली है, तीसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि यार आपके माउस कीबोर्ड जो है वो बहुत कॉस्टली है, मतलब आप समझिए वो 4-5 हज़ार के हैं या 10 हज़ार के हैं, वो भी वायरलेस हैं, और आपका डोंगल घूम गया तो फिर आप और वो यूनिफाइंग है, ये भी कंडीशन ध्यान रखनी पड़ेगी, वो यूनिफाइंग जो है वो माउस कीबोर्ड थे और डोंगल था, तो फिर आप वो 2000 वाला जो है वो डोंगल ला सकते हैं और 10 हज़ार आपके बचा सकते हैं, मतलब फिर से नहीं लेने पड़ेंगे आपको, और वो डोंगल जो आपके माउस कीबोर्ड है वो ईजिली यहाँ पर काम कर जाएंगे उस डोंगल के साथ। वो आपको पेयर करना पड़ेंगे, कैसे करना है वो सब कुछ जो आप डोंगल लेंगे उसमें लिखा रहता है, और काफ़ी सारे उसके वीडियोज़ भी हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। बट इस वीडियो को डिसलाइक करने से पहले थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप, थोड़ा सा सोचिए कि यार फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है सभी की, तभी तो वर्क करते हैं, ये थोड़ा सा सोचिए। अगर फ्रीक्वेंसी सेम हो जाएगी, अगर सिर्फ डोंगल लाने से वो आपका जो घर में पड़ा है माउस वो चल जाएगा, तो यार वो तो कहीं से भी चल जाएगा, कोई भी चला लेगा, मतलब आपका आप उसने बाजार से डोंगल मंगाया और आप यहाँ पे देख रहे हैं पर कोई और चला रहा है आपका माउस, या फिर आपके डेस्कटॉप में कोई और चला रहा है, आप सोचिए ये पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, आसानी से हो सकती है। इसी को ख़त्म करने के लिए फ्रीक्वेंसी अलग अलग रखते हैं मैन्युफैक्चर, ये बात समझने वाली है। बट मैं तो एक ही बात कहूँगा यहाँ पे, समझदार को इशारा ही काफ़ी है, नया ले लीजिए अगर घूम गया है और यूनिफाइंग नहीं है तो नया ले लीजिए, बेस्ट बाय लिंक दे रहा हूँ वीडियो डिस्क्रिप्शन में। यूनिफाइंग कीबोर्ड माउस जो है वो थोड़े से कॉस्टली आते हैं
उनको भी आप देख सकते हैं, उनका भी लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। और यहाँ पर मैं जो नॉर्मल कीबोर्ड माउस है वो भी दे रहा हूँ, उसका भी बेस्ट एकदम बेस्ट बाय लिंक है, और बेस्ट क्वालिटी वाले वायरलेस जो है ब्लूटूथ माउस और कीबोर्ड दोनों के जो है वो लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। मेरा तो सजेशन यही है कि यूनिफाइंग लेने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यूनिफाइंग आते हैं 1500 रुपये के, और उसका जो डोंगल अगर घूम गया तो वो आएगा 2000 रुपये का, यहाँ पर काफ़ी कॉस्टली है इंडिया में, और अभी तो और बढ़ गया होगा, क्या पता क्या मतलब मिलेगा कि भी नहीं मिलेगा। बट यहाँ पर आपको नॉर्मल कीबोर्ड माउस भी ले सकते हैं, और थोड़ा सा इसको संभाल के रखिए यार। देखो अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो इसमें यहाँ पर एक स्लॉट होता है डालने का, इसको डाल दीजिए इसमें और पैकेट में रखिए ना, घुमाने की क्या ज़रूरत है। मतलब स्टील अगर घूम जाता है तो आपके पास यही सॉल्यूशन है और कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। अगर आपके पास इससे अच्छा कोई सॉल्यूशन है तो आप मुझे बताओ पर्सनली, मुझे मेल करो, मैं उसका वीडियो बनाऊंगा और आपको भी वीडियो में इंक्लूड करूंगा, कोलैबोरेशन करेंगे हम साथ में। मतलब मेरे उस वीडियो में इतने सारे मतलब कमेंट आए कि यार क्या बता रहा है, सॉल्यूशन ही नहीं है सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन है ही नहीं तो मैं कहाँ से बताऊँ। ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये एक मतलब बेस्ट सॉल्यूशन है कि आप नया लेके आ जाइए। अगर आपका कीबोर्ड माउस कॉस्टली है, काफ़ी कॉस्टली है, तो फिर आप यूनिफाइंग का यूज़ कर सकते हैं। सो यार बहुत ही मैंने मतलब डिटेल में वीडियो बना दिया है इसका। फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन खुला है आपके लिए, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं जरूर से उसका रिप्लाई करूँगा, आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ आपको मिलते रहें। दैट्स ऑल फॉर दिस टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।